आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा दाल तड़का। तो ये मैंने मसूर की दाल ली थी, ये मैंने एक चम्मच ऑयल गरम किया है। पहले हम इसको इसके अंदर हरी मिर्च को फ्राई करेंगे, क्योंकि दाल जब भी बनाएं हरी मिर्च बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। मैंने हरी मिर्च ऐड करके उसको 2 मिनट के लिए ढककर बना लिया है, वो तैयार हो चुकी है। और ये मैंने 2-3 लहसुन की कलियाँ इसके अंदर ऐड की है, इसको हल्का सुनहरा होने देंगे। इसके साथ ही एक छोटा प्याज कटा हुआ, इसको भी हमें सुनहरा करना है। और 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये मसूर की दाल है, मैंने 5-10 मिनट के लिए इसको भिगो दिया था, 2-3 बार हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम दाल को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैंने 1 मुट्ठी धनिया और पालक दोनों मिक्स करके 1 ही मुट्ठी लिया है, अच्छे से वॉश करके ये भी इसके साथ शामिल किया है। और हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। ये मैंने घी लिया है, देसी घी। अब हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 राई इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे दाल के अंदर इसको। और मैंने जब दाल बन गई इसके अंदर निकाल के इसके ऊपर तड़का लगाया है और 1/4 गरम मसाला ऐड किया है पीसा हुआ। तो ये हमारी दाल तड़का जीरा बनके तैयार हो गई। तो आपका वीडियो हमें कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप इसे